साल 2020 क्रिसमस पर अक्षय कुमार की बच्चन पांडे अब रिलीज नहीं होगी। इसकी नई तारीख का ऐलान अक्षय कुमार ने ट्वीट के जरिए कर दिया है। बच्चन पांडे अब सीधे साल 2021 के लिए बुक कर दी गई है। अपने नए खतरनाक लुक के साथ अक्षय कुमार ने इसकी जानकारी दी है कि अब बच्चन पांडे 22 जनवरी 2021 में रिलीज होने वाली है। वेल, अपने ट्वीट में अक्षय कुमार ने लिखा है कि एनी टाइम एट आमिर खान, वी ऑल आर फ्रेंड्स हियर प्रेजेंटिंग न्यू लुक, न्यू रिलीज डेट कमिंग ऑन 22 जनवरी 2021 इन एंड एज बच्चन पांडे। वही अक्षय कुमार के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आमिर खान ने लिखा है कि समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन कन्वर्सेशन, थैंक यू टू माय फ्रेंड्स अक्षय कुमार एंड साजिद नाडियाडवाला फॉर देयर वार्म जेस्चर ऑफ मूविंग द रिलीज डेट ऑफ देयर फिल्म बच्चन पांडे एट माय रिक्वेस्ट। आई विश देम द वेरी बेस्ट फॉर देयर फिल्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बता दें दोस्तों कि इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे की नई तारीख की घोषणा कर दी है। देखा जाए तो बच्चन पांडे और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बीच साल 2020 की सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा क्रिसमस पर सोलो रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम का रीमेक है। आमिर खान के साथ करीना कपूर खान भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। तो वही दूसरी तरफ बच्चन पांडे की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। अक्षय कुमार के इस नए खतरनाक लुक ने फिल्म को लेकर फैंस के बीच और भी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। साल 2020 की यादगार होने वाली फिल्म है। यहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब और सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भी रिलीज होने वाली है। दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे से आपको यह नया पोस्टर कैसा लगा, यह हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।